नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है केंद्रीय विद्यालय दाखिला से। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2020-21 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हां, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2020-21 के एडमिशन गाइडलाइंस रिलीज कर दी है और मेरे सामने है एडमिशन गाइडलाइंस का PDF। मैं आपको पूरा PDF जल्दी जल्दी से पढ़कर बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से मेजर चेंजेस हैं, ऐसे कौन से बड़े बदलाव हैं जो इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिशा निर्देशों में करे हैं। गाइडलाइंस फॉर एडमिशंस इन केंद्रीय विद्यालय 2020-21 एंड ऑनवर्ड्स। अगर हम बात करते हैं शुरुआत में जो उन्होंने बात करी है जनरल गाइडलाइंस की, तो ये बिल्कुल पिछले सालों की जनरल गाइडलाइंस जैसे है। इन्होंने बताया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज, ट्रांसफर, सिंगल गर्ल चाइल्ड, इन सब शब्दों का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब है माता पिता का एक ही बच्चा और जो कि लड़की है उस बच्ची का कोई और भाई बहन नहीं होना चाहिए। इस तरह से मतलब बताए हैं जो कि पिछले सालों से दिशा निर्देशों जैसे ही हैं, अभी तक कोई फेर बदलाव नहीं आया है। आगे प्रायोरिटीज इन एडमिशन, यानी कि दाखिले में किन किन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, बताया गया सिविल डिफेंस सेक्टर में किन्हें दी जाती है, PSUs को, ये सब अगर देखा जाए तो बिल्कुल पिछले सालों जैसे हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं है। अब आई बात उम्र की, ये सवाल बार बार मुझसे पूछा जा रहा था कि मैम इस बार दाखिले लेट होंगे तो कई ऐसा तो नहीं होगा कि उम्र की जो आंकलन 31 मार्च को पर रखकर लगाया जाता है, क्या उसमें फेरबदल आएगा कि नहीं। जो कि मैंने आपको हमेशा कहा था, मुझे नहीं लगता कि 31 मार्च की तिथि को हटाया जाएगा, मुझे लगता है 31 मार्च पर रखकर ही आंकलन किया जाएगा। देखिए दिशा निर्देशों में भी यही बात की गई है, 31 मार्च पर रखकर ही बच्चों की उम्र का हिसाब लगाया जाएगा। जो पिछले सालों से बच्चों की उम्र का हिसाब कक्षा में दाखिले के लिए केंद्रीय विद्यालय के द्वारा किया जाता है, इस साल भी वही होगा। जी हाँ, जो पिछले सालों में कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं की जो उम्र केंद्रीय विद्यालय ने निर्धारित करी थी, इस साल भी वही उम्र रहेगी। उम्र में कोई फर्क नहीं लाया गया है। कक्षा 11वीं 12वीं में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस साल 10वीं का रिजल्ट आए उसी साल 11वीं में दाखिला लेना है, जिस साल 11वीं का रिजल्ट आए उसी साल 12वीं में दाखिला लेना है, 11वीं और 12वीं कक्षा के केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कोई उम्र निर्धारित नहीं करी है, इस बार भी यही बात कही गई है। आगे चलते हैं, अब आई बात रिजर्वेशन, यानी कि क्या दाखिले में क्या रिजर्वेशन है। तो इसमें बताया गया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कैटेगरी, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। देखिए अगर हम पिछले सालों की बात करें, अनुसूचित जाति 15% सीट्स, 15% सीट्स टू शेड्यूल कास्ट, 7.5% सीट्स टू शेड्यूल ट्राइब, यानी 7.5 अनुसूचित जनजाति को। जो चीज़ इस बार ऐड हुई है वह ये है 27%, यानी 27% सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, 27% सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि 27% सीट्स उन बच्चों के लिए आरक्षित हुई है जो अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगे। लेकिन साफ साफ मेंशन किया गया है OBC NCL, यानी कि OBC नॉन क्रीमी लेयर, इसमें नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के बच्चे आएंगे, OBC क्रीमी लेयर के बच्चे इस 27% कोटे में नहीं आएंगे। आगे डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, यानी कि वह बच्चे जो दिव्यांग है, जैसे कि पिछले सालों से 3% तीन बच्चों के लिए आरक्षित की जा रही थी, इस साल भी वैसे ही होगी। फिर KV ट्रांसफर, ये KV ट्रांसफर बिल्कुल वैसे ही KV ट्रांसफर की प्रक्रिया बताई गई जिस पर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसा होता है, वीडियो पर आ रही है और नीचे वीडियो का नाम लिखा है, वीडियो के नाम पर क्लिक करिए, नीचे KV ट्रांसफर पर मैंने वीडियो बनाई है, आप वह देख सकते हैं। फ्रेश एडमिशन क्लास 10th और 12th की, इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मैंने पहले भी यही बताया था जो पिछले सालों से चला आ रहा है कि क्लास 10th और 12th में तभी दाखिले होते हैं जब सीट्स खाली होती हैं और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द रीजन की हामी होती है। बाकी सब स्पेशल प्रोविजंस, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ ऑनरेबल MP PSU एम्प्लॉयज एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉय सर्विंग और रिटायर्ड, इनके बारे में मैंने आपको अपनी आखिरी दो तीन वीडियो से बता रही हूँ। और कुछ और जो कोटा होते हैं, जैसे कि
चिल्ड्रन ऑफ रेसिपिएंट्स ऑफ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, या फिर वह बच्चे जो किन्हें किसी खेल जगत खेल से या किसी और में बहुत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं उन्हें भी आरक्षण मिलता है केंद्रीय विद्यालय में, उनका दाखिला थोड़ा आसानी से होता है, प्राथमिकता मिलती है। यह सब पिछले सालों जैसा ही है। और ये देखिए एकल कन्या योजना के तहत जो उन्होंने जानकारी दी है वे भी पिछले सालों जैसी है, एकल कन्या योजना में भी कोई फेरबदल नहीं किया गया है। और बिल्कुल बाकी देखिए अगर हम बात करें, बिल्कुल ये बाकी जो दाखिले की प्रक्रिया, दाखिले की जो प्राथमिकता जिन बच्चों को दी जा रही है वो बिल्कुल वैसे पिछले सालों जैसे ही आ रहे हैं, उनमें कोई फर्क मुझे दिख नहीं रहा है। एमपी कोटा पिछले सालों जैसा है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। आर्मी कोटा देखिए, आर्मी कोटा के बारे, आर्मी एयरफोर्स नेवी बिल्कुल वैसा ही। एमपी कोटा के बारे में मैंने बताया, जैसे मैंने आपको हमेशा पहले की तरह बताया एमपी कोटा में कि पहले से 9वीं क्लास का ही हो सकता है। और आर्मी कोटा के बारे में भी आर्मी एयरफोर्स नेवी जैसे पहले बताया गया, रेफर 6 केस कर सकते हैं। वार्ड्स ऑफ आर्म्ड एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज ये भी बिल्कुल पहले जैसा है। इनमें जो शब्द ऐड करे गए हैं एनएसजी एंड असम राइफल्स ऐड किया गया है। और अब बात बताई जाए, बात करते हैं कक्षा पहली के दाखिले की। कक्षा पहली के दाखिले में मुझे, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो बनाने से पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइंस को अच्छे तरीके से देखा है, मुझे पहले जो कक्षा पहली का दाखिला प्रक्रिया है उसमें एज सच कोई फ़र्क नहीं दिखा, ये पहले जैसा ही है। और जो रजिस्ट्रेशन है पंजीकरण की प्रक्रिया वो भी पहले जैसी है कि आपको पंजीकरण बिल्कुल आपको कोई पैसा नहीं देना, पंजीकरण के फॉर्म अवेलेबल होंगे, कक्षा पहली का ऑनलाइन होगा और बाकी सबके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप स्कूल जाके ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कक्षा दूसरी और ऊपर की कक्षाओं का ऑफलाइन दाखिला, कक्षा पहली का ऑनलाइन दाखिला, बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें भी बताए गए हैं। और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल पहले जैसे ही, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होगा बर्थ प्रूफ चाहिए होगा और एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, बच्चे की फोटोग्राफ और एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी बीपीएल इन सब के लिए जो डॉक्यूमेंट होगा वह चाहिए होगा। और अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसे सरकार मतलब सरकारी अस्पताल का सर्टिफिकेट चाहिए। और यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट सर्टिफिकेट चाहिए। और ट्रांसफरेबल जॉब में अगर हैं तो उन्हें 7 ईयर का ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द हेड ऑफिस सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और यह बात साफ शब्दों में कही गई है जो कि पहले के दिशा निर्देशों में भी कही गई थी कि रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवाने का मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे का दाखिला हो गया। अगर आपका फॉर्म आपने आधा भरा है तो यह आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके बच्चे का फॉर्म आगे नहीं जाएगा। और देखिए ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ इस बार डाली गई है क्योंकि इस बार जो केंद्रीय विद्यालय जो के संगठन के जो दिशा निर्देश है, जो उसमें बड़ा फेर बदलाव है वह है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कोटा का, जो 27% इस बार से वह आरक्षण शुरू किया गया है। इसमें यह बताया गया है, देखिए क्योंकि कक्षा पहली में एडमिशन में ओबीसी एनसीएल कोटा लागू हो रहा है तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि 15% सीट एससी स्टूडेंट्स के लिए, 7.5% एसटी स्टूडेंट्स के लिए, 27% सीट्स ओबीसी एनसीएल कोटा के स्टूडेंट्स के लिए होगी। और उसमें सीट्स का नंबर भी बताया गया कि कक्षा पहली में 40 बच्चों का एक कक्षा में, कक्षा पहली के एक सेक्शन में 40 बच्चों का दाखिला होता है तो आरटीई के तहत 10 बच्चों का सीट्स पर दाखिला होगा, जिसमें से एससी स्टूडेंट्स जो होगा उनका 6 और एसटी 3 और ओबीसी 11 और आरटी के तहत 10 और 3% सी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को। इस बार ड्रॉ ऑफ लॉट यानी कि जो फर्स्ट लॉट कैसे निकलेगा, सेकंड लॉट, थर्ड लॉट, उसके बारे में जानकारी दी है। इस पर मैं आपको प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगी, ये थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि स्कूल वाले कैसे ड्रॉ निकालेंगे बच्चों का नाम, खाली सीट्स पे कैसे निकाला जाएगा, ओबीसी सीट्स अगर खाली बच गई तो क्या होगा। और अगर बात की जाए डिसएडवांटेज ग्रुप की तो वह भी बिल्कुल पहले जैसा है, वीकर सेक्शन की। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था आरटीई के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो मेजर सिटीज़ और अर्बन एरियाज में 5 किलोमीटर डिस्टेंस के बीच किया जाता है अप्लाई
कर सकते हैं और अदर प्लेसेस में 8 किलोमीटर के रेडियस में अप्लाई किया जा सकता है। ये लिमिटेशन होती है नेबरहुड की। फीस के बारे में बताया गया है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। कक्षा 2 से 8 के दाखिले के बारे में बताया गया है, कक्षा 9 के दाखिले के बारे में बताया गया, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है इसमें एडमिशन टेस्ट होगा, 3 घंटे का होगा, 20-20 नंबर के होंगे, 25% मार्क्स चाहिए होंगे SC ST और दिव्यांग बच्चों को, और जनरल कैटेगरी के बच्चों को 33% मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए। क्लास 11th के बारे में बताया गया है, साइंस स्ट्रीम एडमिशन के लिए मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, आगे होने चाहिए क्लास 10th में, तो आप साइंस स्ट्रीम एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स में 55% हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के लिए आप सारे सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है, ये पिछले सालों से चला आ रहा है, इस साल बदलाव नहीं हुआ है इसमें। और तो देखा जाए मोटे मोटे तौर पर केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया में कोई भी मेजर बदलाव इस बार नहीं हुआ है। जो बदलाव हुआ है वह ये हुआ है कि इस साल से केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया में एक ऐसी कैटेगरी है जिसका आरक्षण 27% दिया गया है, जिन्हें 27% रिजर्वेशन दिया गया है, वह OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स, OBC NCL यानी कि OBC नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस बार दाखिला प्रक्रिया में आरक्षण दिया गया है, जिस बात की घोषणा हमारे HRD मिनिस्टर ने पिछले साल ही कर दी थी अक्टूबर नवंबर के महीनों में कि आने वाले सत्र में केंद्रीय विद्यालय दाखिला में OBC कैटेगरी के बच्चों को 27% कोटा दिया जाएगा, जो कि इस बार दिशा निर्देशों में साफ साफ उसका मेंशन किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। तो यह थे दिशा निर्देश। मैं फिर से बताना चाहूँगी, जो आपके सवाल आते थे कि उम्र इस बार क्या बदलाव आएगा, क्या उम्र के क्राइटेरिया में फ़र्क लाएगा, जी नहीं, उम्र के क्राइटेरिया में कोई भी फ़र्क नहीं लाया गया है। जो पिछले सालों से जिस प्रकार से उम्र का आंकलन किया जाता था 31 मार्च पर रखकर, इस साल भी 31 मार्च पर रखकर ही किया गया है। इस साल भी पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल से कम होनी चाहिए, और उम्र का आंकलन 31 मार्च पर रखकर किया जाएगा, और 1 अप्रैल पर जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें भी इसमें छूट दी जाएगी, बिल्कुल पहले सालों की तरह है। जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, वे भी पिछले सालों की तरह है, और बाकी जितने भी कैटेगरी, चाहे आर्मी कोटा है, चाहे सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है, चाहे MP कोटा है, जितने भी और कोटा हैं, RTE कोटा है, RTE कोटा में बस थोड़ा सा जो फ़र्क फेरबदल जो सिर्फ इस बार फेरबदल हुआ है, सिर्फ इस बार एडिशन हुआ है OBC नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स का, जिन्हें 27% रिजर्वेशन इस बार मिला है। और यह थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइंस। मैंने अपनी तरफ से केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइंस आपको वीडियो बनाने से पहले मैंने अच्छे तरीके से पढ़ी, और मैं कोशिश करूँगी इस पर आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आऊँ। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई बात ढंग से मैं एक्सप्लेन आपको नहीं समझ आई या आपको लगता है कि इसमें डाउट है, तो आप नीचे दे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। फिर से एक बार कहना चाहूँगी, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2020-21 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिशा निर्देश जारी करने का मतलब यह है कि दाखिला प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है, आप सब तैयार हो जाएं। आप सब मुझसे सवाल करते थे कि मैम आप बताइए केंद्रीय विद्यालय संगठन दिशा निर्देश नए कब जारी करेगा, तो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, कक्षा पहली का दाखिला जल्द शुरू हो जाएगा। कक्षा पहली के दाखिले में कोई फेरबदल नहीं किया गया है, आपके बच्चों के जैसे आपको पहले कागजात की जरूरत थी, जिस तरीके के, जिस तरह से एज का, उम्र का आंकलन पहले किया जाता था, सब कुछ पहले जैसा है, सिर्फ इस बार OBC NCL कैटेगरी को इस बार 27% आरक्षण दिया गया है। उम्मीद करती हूँ उस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। तो केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें। सबकी शिक्षा के द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह से निःशुल्क है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए, नमस्कार।